नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं आपकी पुस्तक के आखिरी पाठ पर, पाठ संख्या 15। और पाठ संख्या 15 है वैद्य जी का नया उपचार। तो चलिए देखते हैं क्या है वैद्य जी का नया उपचार। उससे पहले है चित्र पर आधारित गतिविधि। उपयुक्त चित्र विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के हैं, इनके विषय में आपको बताना है। निम्नलिखित रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? रतौंधी, बेरीबेरी और स्कर्वी। तो आप ये ढूंढेंगे और इसे बताएंगे। ये विटामिन किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं आपको ये भी बताना है। अब हम करते हैं पाठ में प्रवेश। पौष्टिक आहार मनुष्य के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह आहार हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स आदि प्रदान करता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। इस पाठ में पौष्टिक भोजन करने से तथा किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम न करने से व्यक्ति किस प्रकार बिना कोई रोग के रोगी बन जाता है यह बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका नाम अमीर चंद था। अपने नाम के अनुसार ही वे बहुत अमीर थे। उनके पास काफ़ी सारा धन था, बहुत सी चल अचल संपत्ति थी। सेठ जी को सभी प्रकार का सुख था, उन्हें केवल एक ही दुख था और यही दुख सभी सुखों पर भारी बन रहा था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, वे कई बीमारियों से पीड़ित थे। धीरे धीरे सेठ अमीर चंद की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े हकीम और वैद्य भी फेल हो गए। ज्यों ज्यों दवाइयाँ बढ़ती गईं त्यों त्यों मर्ज भी बढ़ता गया। सेठ जी और उनका पूरा परिवार परेशान था। घर के नौकर चाकर भी दुखी थे। रिश्ते नाते और मिलने जुलने वाले लोग भी चिंतित थे। रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निराश होकर सेठ जी ने घोषणा की कि जो उन्हें ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई डॉक्टर, वैद्य, हकीम आए, इलाज भी किया, परंतु सेठ जी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही, मतलब वो जैसे थे वैसे ही बीमार बने रहे। एक दिन सवेरे सवेरे एक बूढ़ा वैद्य सेठ जी के पास आया। उनकी नब्ज देखी, उनके शरीर का अच्छी तरह परीक्षण किया, फिर अलग जाकर नौकरों से बातें की, घर के सभी लोगों से चुपचाप कुछ पूछा। फिर वैद्य जी सेठ अमीर चंद से मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है फिर भी लगता है कि आप खाने पीने में काफ़ी कंजूसी करते हैं। सेठ जी चौंकते हुए बोले, खाने पीने में कंजूसी? वो भला कैसे? ठीक से खाते पीते तो बीमार ही क्यों पड़ते? अच्छा छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। खुराक तो मैं ठीक ठाक ही लेता हूँ। सवेरे खस्ता कचौड़ी, पकौड़े, एक कटोरी मलाई, एक कटोरा हलवा, कुछ सूखे मेवे और एक लोटा दूध नाश्ते में, तथा दोपहर को रुकिए रुकिए, इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा है। दोपहर और रात की खुराक इससे 2-3 गुनी तो होगी ही। वैद्य जी बीच में ही बोल पड़े, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। पराठे और पूरी तो मुझे बहुत पसंद है, डट कर खाता हूँ, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है। सेठ जी बोले, सब ठीक हो जाएगा, पर उपचार शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। वैद्य जी ने कहा। सेठ जी ने कहा, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? वैद्य जी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिएगा, मेरे उपचार पर आप नाराज़ तो नहीं होंगे। उपचार किसी सुनसान स्थान पर किया जाएगा। सेठ जी बोले, पर भला मैं उपचार से नाराज क्यों होऊंगा? शहर से बाहर, आबादी से दूर मेरी कोठी है,
आप वहाँ कल सवेरे से ही उपचार शुरू कर सकते हैं। फिर वैद्य जी ने अपने सहायक को अलग ले जाकर उपचार के बारे में समझाया और वहाँ से चले गए। वैद्य जी समय के पाबंद थे, वे अगले दिन सुबह होते ही सेठ जी के यहाँ पहुँच गए। उनका सहायक 2 घंटे पहले ही उपचार की तैयारी करने के लिए उस सुनसान कोठी पर पहुँच गया था। वैद्य जी सुनसान कोठी तक पैदल टहलते हुए जाना चाहते थे, लेकिन सेठ जी नहीं माने। वे हाथ नचाते हुए बोले, उस कोठी तक पैदल जाएंगे? 4 कदम चलते ही मेरा दम फूलने लगता है, इतनी दूर तक पैदल हरगिज नहीं चल पाऊंगा। घर पर कई गाड़ियां हैं, ये कब काम आएंगी? गाड़ी से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। वैद्य जी मुस्कुराए, परंतु उन्होंने पैदल चलने की अधिक जिद ना की। दोनों गाड़ी में बैठकर सुनसान कोठी पर जा पहुंचे। वैद्य जी ने वहां पहुंचते ही अपने सहायक से पूछा, उपचार की सभी तैयारियां हो गई हैं? सहायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया और एक बाहरी कमरे की ओर संकेत किया। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे वैद्य जी उस निश्चित कमरे की ओर चल पड़े। कमरे के बाहर सेठ जी के जूते उतरवा दिए गए और नंगे पैर सेठ जी जैसे ही उस कमरे में घुसे, वैद्य जी ने फुर्ती से बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब सेठ जी कमरे के अंदर और वैद्य जी बाहर। अंदर घुसते ही सेठ जी को ना जाने क्या हुआ, वे जोरों से चिल्लाने और उछलने कूदने लगे। बात यह थी कि कमरे की फर्श गर्म तवे के समान तप रही थी, उस पर नंगे पैर रखे नहीं जा रहे थे। स्थिति यह थी कि कमरा बंद, फर्श तपती हुई, पैर नंगे। अब सेठ जी उछलने कूदने के अलावा कर भी क्या सकते थे? वैद्य जी कमरे से बाहर थे, उन पर सेठ जी के चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था, उल्टे वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गाड़ी के चालक को भी 2 घंटे बाद आने की बात कहकर लौटा दिया था। वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, फिर सेठ जी का चिल्लाना कौन सुनता? उनके मोटे थुलथुल शरीर का उछलना कूदना उस समय कोई देख पाता तो अपनी हंसी नहीं रोक सकता। कोई शरारती बच्चा उन्हें देखता तो उसे बहुत मज़ा आता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे। सेठ जी थककर चूर हो गए, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे लगभग आधे घंटे तक इसी तेज़ गति से उछलते कूदते रहे। जैसे जैसे फर्श की तपन कम होती गई, वैसे वैसे सेठ जी के उछलने कूदने की गति भी उसी हिसाब से धीमी बढ़ती गई। सेठ जी वैद्य जी को जी भरकर कोस रहे थे, गालियां बक रहे थे, लेकिन कमरे के बाहर खड़े वैद्य जी पूरे बहरे बने हुए थे। पूरे 1 घंटे बाद वैद्य जी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। बदहवास पसीने से लथपथ सेठ जी बड़बड़ाते हुए और वैद्य जी को गालियां बकते हुए बाहर निकले। वैद्य जी धैर्य की मूर्ति बने सब कुछ सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठाया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई है। तब वैद्य जी ने कहा, सेठ जी मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानोगे। पहले आप 10 कदम भी नहीं चल पाते थे, अभी आप आधे घंटे तक लगातार उछलते कूदते रहे। आप एक अच्छी खुराक लेते तो हैं, पर शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, यही आपकी बीमारी है। आप कम खाएं, लेकिन नियमित व्यायाम करें, योगासन करें, सुबह खुली हवा में भ्रमण कीजिए, कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आपके इलाज में मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। अब सेठ जी को अपनी तबीयत कुछ कुछ ठीक लग रही थी, इसीलिए उनका गुस्सा भी शांत हो गया। वैद्य जी की सम्मति को उन्होंने स्वीकार किया। उचित खानपान और नियमित व्यायाम से वे कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब तो वैद्य जी से उनकी रही सही नाराज़गी भी समाप्त हो गई। अब तो नाराज होने की बजाय वैद्य जी की प्रशंसा ही करने लगे।
चलिए बच्चों, यहाँ दिए हुए हैं हमें कठिन शब्द जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। अचल संपत्ति, स्वास्थ्य, वैद्य, मर्ज, चिंतित, घोषणा, मुँह मांगा, नफ्स, स्थिति, परीक्षण, उपचार, सुनसान, पाबंद, हरगिज, स्वीकृति, फुर्ती, लथपथ, बदहवास, धैर्य, मूर्ति, श्रम, व्यायाम, भ्रमण और सम्मति। आगे हमें दिए हुए हैं शब्दार्थ जो आपको याद करने हैं और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखने हैं। अचल संपत्ति का अर्थ है स्थिर दौलत, श्रम मेहनत, नियमित नियम से रोजाना, घोषणा किसी बात की सार्वजनिक सूचना देना, प्रशंसा बढ़ाई तारीफ, मर्ज रोग बीमारी, परीक्षण शरीर की जांच, दशा हालत, पाबंद किसी बात का नियम से पालन करने वाला, विश्राम आराम, व्यायाम कसरत, स्वीकृति मंजूरी, सम्मति राय। अब हम करते हैं बात पाठ की। तो बताओ क्या पढ़ा? सेठ अमीर चंद को क्या दुख था? सेठ अमीर चंद को यह दुख था कि वो रोग ग्रस्त थे। वो ये समझते थे कि वह रोगी हैं और कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सकता। सेठ अमीर चंद ने क्या घोषणा करवाई? यह घोषणा करवाई कि जो भी मेरा इलाज करेगा और मुझे ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वैद्य जी ने उपचार कहाँ करने की बात कही? सुनसान जगह पर। सेठ जी का शरीर कैसा था? सेठ जी का शरीर मोटा और थुलथुल था। सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। सेठ जी और वैद्य जी दोनों गाड़ी में बैठकर कहाँ पहुँचे? सुनसान कोठी पर। वैद्य जी ने सेठ जी के दोपहर और रात के भोजन के बारे में क्या कहा? कि आपकी खुराक दोपहर और रात की नाश्ते से 2-3 गुना होगी। सेठ जी बीमार क्यों रहते थे? क्योंकि कोई भी शारीरिक कार्य नहीं करते थे। वैद्य जी ने बिना बताए सेठ जी को कहाँ बंद कर दिया? गरम फर्श वाले कमरे में बंद कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बड़े बड़े डैश और डैश भी फेल हो गए, हकीम और वैद्य। पराठे और पूड़ी तो मुझे बहुत पसंद हैं। उपचार किसी सुनसान स्थान पर किया जाएगा। वैद्य जी ने फुर्ती से बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तो वैद्य जी से उनकी रही सही नाराज़गी भी समाप्त हो गई। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है हमें। सेठ ने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, बिल्कुल सही। सेठ अमीर चंद बहुत गरीब था? नहीं, वो तो बहुत अमीर था। वैद्य जी वक्त के पाबंद थे? सही। कमरे में अंदर घुसते ही सेठ जी सो गए? नहीं, वो तो उछल रहे थे वहाँ पर। अमीर चंद कभी व्यायाम नहीं करते थे? बिल्कुल सही, तभी वो रोग ग्रस्त थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वैद्य जी ने सेठ जी के यहाँ आकर क्या पूछताछ की? वैद्य जी ने सेठ जी के यहाँ आकर उनके नौकरों से और उनके परिवार वालों से उनके खान पान और दिनचर्या के बारे में पूछताछ की। वैद्य जी ने सेठ जी के उपचार के लिए क्या शर्त रखी? वैद्य जी ने सेठ जी के उपचार के लिए यह शर्त रखी कि वह जो भी उपचार करेंगे सेठ जी उसका बुरा नहीं मानेंगे और उपचार किसी सुनसान जगह पर ही किया जाएगा। वैद्य जी ने सेठ जी का उपचार कैसे किया? वैद्य जी ने सेठ जी को उनकी सुनसान कोठी पर ले जाकर एक गरम फर्श के कमरे में बंद कर दिया। सेठ जी पूरे 1 घंटे तक वहां उछलते रहे क्योंकि फर्श बहुत गर्म था और सेठ जी नंगे पैर थे। इस प्रकार उनका शारीरिक व्यायाम हुआ और फिर वैद्य जी ने सेठ जी को महत्व बताया शारीरिक व्यायाम और संतुलित खान पान का। इस प्रकार
वैद्य जी ने सेठ जी का उपचार किया। वैद्य जी के उपचार का सेठ जी पर क्या प्रभाव पड़ा? वैद्य जी के उपचार द्वारा सेठ जी को यह समझ में आ गया कि खाने पीने के साथ साथ अपने शरीर के लिए व्यायाम भी बहुत आवश्यक है। उन्होंने संतुलित खान पान और व्यायाम की सहायता से अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त किया। सेठ जी के रोग के कारण कौन कौन दुखी थे? सेठ जी के रोग के कारण उनके परिवार वाले, नौकर चाकर और रिश्ते नातेदार आदि सभी दुखी थे। तो बच्चों, थी ना मज़ेदार कहानी, लेकिन इस कहानी में हमें क्या सीख मिली है कि हमें एक तो अपने खान पान को भी संतुलित रखना चाहिए और अपने इस शरीर से काम लेना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए, चाहे आप घर के काम करो या आप कोई व्यायाम करो, ताकि आप स्वस्थ रहें। आभार।